लड़कियों की सुंदरता किसी से बढ़ती है तो वह है बाल। बाल के कारण ही लड़कियां बेहद खूबसूरत नजर आती हैं, तो वहीं आजकल लड़कियों को बाल स्ट्रेट करवाने का क्रेज देखा जा रहा है, जिसके लिए लड़कियां अपने बालों पर महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नजर नहीं आता, साथ ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बाल को स्ट्रेट करने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आइए जानते हैं बालों को स्ट्रेट करने के नेचुरल तरीके। नंबर वन, बाल को स्ट्रेट करने के लिए आप शहद और दूध के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक कप दूध लेना होगा और उसमें थोड़ी सी मेश की हुई स्ट्रॉबेरी को मिक्स करना होगा। उसके बाद इस मिश्रण को बालों में लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को धोएं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके बाल शाइनिंग करने लगेंगे, साथ ही स्ट्रेट भी होंगे। नंबर टू, बालों को खूबसूरत और स्ट्रेट बनाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और चावल के आटे का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें 5 चम्मच चावल का आटा मिलाएं, साथ ही एक अंडा डालकर उसे अच्छे से फेंट लें। अब बालों में उस मिश्रण को लगाकर 40 मिनट के बाद धो लें, लेकिन ध्यान रहे कि उस मिश्रण को लगाने से 1 रात पहले बालों में तेल जरूर लगाएं। नंबर थ्री, केला जितना सेहत के लिए फायदेमंद होता है उतना ही बालों के लिए भी अच्छा होता है। इसके लिए आप 2 पके हुए केले को मेश करें और उसमें 2 टेबल स्पून शहद, दही और ऑलिव ऑयल मिलाकर उसका एक मिश्रण तैयार करें। उसके बाद बालों में लगाकर 1 घंटे के लिए अपने बालों को छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। ये पेस्ट आपके बालों को सिल्की और चमकदार भी बनाता है। नंबर फोर, नारियल का तेल बालों को बढ़ाने में मददगार साबित होता है, तो वहीं नारियल दूध में नींबू के रस को डालकर 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद जब ये मिश्रण थोड़े क्रीमी हो जाए तो इसे बालों में इस मिश्रण से सर में हल्का हल्का मसाज करें। उसके बाद हॉट टॉवल को सिर पर बांध लें। अब 1 घंटे बाद बालों को ठंडे पानी से धोएं, लेकिन आपको इस मिश्रण को 1 हफ्ते में 2 या 3 बार करना होगा। ऐसा करने से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट 9, हाल किरण डेक से रानी की रिपोर्ट।